नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझिएगा इसको। देयर आर एम मैन एंड टू वुमेन, टोटल टू वुमेन है और एम मैन है। एवरी वन प्ले टू मैचेस विथ ऑल अदर, मतलब जैसे अगर मान लो मैं हूं तो मैं हर एक से दो दो मैच खेलने वाला हूं, यानी अगर 10 लोग हैं तो मैं हर एक प्लेयर से टू टू मैच खेलने वाला हूं। एवरी वन विथ अदर, एवरी वन प्ले टू मैचेस विथ ऑल अदर पार्टिसिपेंट इफ नंबर ऑफ मैचेस प्ले बिटवीन मेन, जितने भी मेन के बीच में मैच हुए होंगे, एक्सीड द नंबर ऑफ मैचेस प्ले बिटवीन मेन एंड वुमेन बाय 84, देन एम। अब देखिए एक चीज समझिए कि मेन के बीच में जितने भी मैच हुए होंगे, अगर वुमेन और मेन मिलकर सब मैच खेल रहे होंगे उससे 84 मैच ज्यादा हुए होंगे, तो आपको बताना है एम क्या होगा। अब एक चीज समझिए, ये 84 बहुत बड़ा फिगर है, इसलिए एक बात तो पक्की है कि एम की वैल्यू इतनी छोटी नहीं हो सकती, 325, नहीं तो 84 होता ही नहीं। तो इसका मतलब केवल 12 पे जा सकते थे, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, मेथड से भी कर सकते थे। तो अगर मैं इसको ऑप्शन से करता तो सबसे बड़ा ले इसलिए रहा हूं क्योंकि 84 है, तो अगर मेन के मैच की बात करता तो 12c2 × 2 × 2, क्यों, क्योंकि हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को दो दो मैच खेलना है, तो दो लोगों में एक मैच हुआ तो ये एक मैच का आ गया, तो 12c2 अगर × 2 सॉल्व करोगे तो 12 × 11 / 2 × 1 ये कैंसिल हो गया, दिस इज 132, राइट। अगर अब आप देखिए, अगर मैन और वुमेन की बात करें तो एक मैन एक वुमेन, यानी 12c1 × 2c1, एक मैन एक वुमेन ने मिलकर एक मैच खेला × 2 times, क्योंकि सबको दो दो मैच खेलना, तो 2 × 12 × 2, देखिए 24 × 2 = 48, 132 - 48 = 84, राइट। बाकी इस क्वेश्चन को आप देख के लॉजिक से बता सकते थे कि जब 84 डिफर हो रहा है तो इसका मतलब इतना छोटा आंसर नहीं हो सकता, यही लॉजिकल है। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो कर पाएंगे, बाकी मेथड से करते तो ये करते, 2 times of MC2 - MC1 × 2C1, वुमेन 2 है, × 2 times = 84, यानी MC2 - MC1 × 2C1 = 42, कर दीजिए, बस आप इसमें या तो इसमें सॉल्व कर लीजिए एम की वैल्यू रख के, या फिर इस इक्वेशन को बना के सॉल्व कर लीजिए। पर कहां पर कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नोट कर लीजिए।